नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। राजस्थान स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018 खाली पदों को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर। देखें महत्वपूर्ण जानकारी, तो देखते हैं पूरी जानकारी। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं खबर आई, स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018 के खाली रहे पद क्यों नहीं भरे कोर्ट। जयपुर हाईकोर्ट ने स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018 के खाली पदों को वेटिंग लिस्ट से नहीं भरने के मामले में शिक्षा सचिव माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर व RPSC से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह निर्देश प्रियंका सोलंकी की याचिका पर दिया। याचिका में कहा है कि 2018 में भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र सहित कुल 20 विषयों के लिए लेक्चरर पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी। प्रार्थी नरशास्त्र विषय के लिए आवेदन किया था और उसका नंबर वेटिंग लिस्ट में आया। इस भर्ती में कई विषयों पर अभी तक खाली चल रहे हैं और कई अभ्यर्थियों ने कार्य ग्रहण नहीं किया है। प्रार्थियों ने खाली पद भरने के लिए राज्य सरकार व RPSC को कई बार प्रतिवेदन भी दिया, लेकिन उसके बाद भी वेटिंग लिस्ट से खाली पदों को नहीं भरा गया। प्रार्थियों की काउंसलिंग हो गई है और उसके पास नियुक्ति की सब योग्यता है, लेकिन फिर भी उसे वेटिंग लिस्ट में से नियुक्ति नहीं दी जा रही। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार RPSC से जवाब देने के लिए कहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018 से जुड़े ये मामला है और खाली पद क्यों नहीं भरे। कोर्ट ने यहाँ पर जवाब मांगा है। शिक्षा सचिव माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर व RPSC को जवाब देने के लिए कहा गया है। तो ये अपडेट थी जो आपके सामने शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।